हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो वाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता था। मैं घुमाने वाला हूं आज आप लोगों को समस्तीपुर जंक्शन। मैं दूसरी साइड हूं, मेन इसका एंट्रेंस उस साइड है। यहां पर लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है। चलिए मैं दिखाऊंगा सब कुछ आपको अच्छे से। पहले मैं यहां के लिए टिकट ले लूँ, शायद खुला हो तो, नहीं तो फिर दूसरे साइड से लूँगा, क्योंकि इस साइड कम पैसेंजर चढ़ती है उतरती है। लेकिन मैं इस साइड से दिखाना चाहा क्योंकि इस साइड वैगन चक्कों का फैक्ट्री है, चक्कों यहाँ शायद बनते हैं। तो यहाँ कुछ ट्रेनों का डिटेल है। लगभग यहाँ 150 ट्रेनें अप एंड डाउन में रुकती है और 15+ ट्रेनें यहाँ से खुलती है। तो चलिए, बड़ा साफ़ सफाई, एकदम क्लीन, देखिए आप, क्लीननेस ये अच्छा लगा हमें। तो चलिए कुछ उस तरफ से भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा है हमारा समस्तीपुर जंक्शन। ये मेन डिवीज़न समस्तीपुर डिवीज़न है, जिसके अंदर लगभग 200 स्टेशनों से ज़्यादा है। और यहाँ ये समस्तीपुर ज़िला भी है जहाँ मैं दिखा रहा हूँ। इस तरफ से आप मेन बाज़ार में जा सकते हैं, खाने पीने की सुविधा इस साइड भी मिलेंगी, उस तरफ भी मिलेंगी, वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर कुछ नया बना है, शेड वगैरह देखिए आप, और एस्केलेटर, ये सब जो है कुछ नया है। अभी उतरने वाला चालू है, फिर लिफ्ट भी है, फ्यूचर में लिफ्ट भी चालू होगा। तो ये एक बदलाव की तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ। चक्के देख सकते हैं आप, कि ट्रेन के लिए चक्के लगे रखे हुए हैं। यहाँ पर शायद बनता नहीं है, आता होगा, या फिर फेसिंग वगैरह होती होगी, ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे पुराना फैक्ट्री टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस तरफ 7 प्लेटफार्म है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है मेन उस तरफ है, और 2 FOB है जो आप देख रहे हैं। ये इसका अपोजिट साइड से एंट्रेंस पॉइंट है। और ऊपर से कुछ ऐसा है, साफ़ सफाई पूरा स्टेशन का, देखिए आप। अभी मैं जिस साइड खड़ा हूँ, इस साइड से 2 रूट कटती है, एक दलसिंह सराय होते हुए, बछवाड़ा होते हुए चली जाती है बड़ौनी, फिर बड़ौनी से और रूट कटती है, फिर एक जो है कि इस तरफ से दरभंगा को चली जाती है, इस तरफ 2 रूट कटती है, और फिर उसी तरीके से इस साइड भी 2 रूट कटती है, एक मुजफ्फरपुर की ओर चली जाती है और एक जो है कि खगड़िया की ओर चली जाती है इस तरफ से। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो एक एक प्लेटफॉर्म पर 2-2 ट्रेन लगे हुए, एक इस साइड एक उस साइड एग्जैक्ट, और फिर उधर भी बहुत सारी ट्रेनें लगी हुई हैं। यहाँ पर कुछ जगह शायद इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं, इसीलिए इस तरह का ट्रेन चलता होगा। लेकिन चलिए अब एक नंबर प्लेटफॉर्म को टूर करवाता हूँ, कुछ इस तरफ दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखिए कुछ ऐसा साफ़ सफाई स्टेशन में, बड़ी साफ़ सफाई है, अच्छा लगा समस्तीपुर स्टेशन का। ये यहाँ का यहाँ का एस्केलेटर है, तो चलिए ये भी घुमाता हूँ। खाने पीने की सारी सुविधा इस साइड है, मैं दूसरे साइड से चला था, आप लोगों को दिखाया था। ऐसा लगता है मानो ये नया है, क्योंकि लोग मज़ा ले रहे हैं, बहुत सारे फ़ोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये यहाँ के लिए नया है, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम लाइफ में आया हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। समस्तीपुर डेवलपमेंट के दौर में समस्तीपुर भी शामिल है, 508 स्टेशन में जो 49 स्टेशन है बिहार का। और ये एक यादगार इंजन, जहाँ पे देख सकते हैं आपकी फ़ोटो क्लिक करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ ये एक बच्चा ही नहीं है, ये आदमी नहीं है, मधुरेश कुमार यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ। इस तरफ से पूरा समस्तीपुर का ही देख सकते हैं, तो डेवलप होगा, बहुत कुछ बदलाव होगी, पार्किंग वगैरह की सुविधा सब कुछ है, खाने पीने की सुविधा इस साइड है पूरा बाहर में। यहाँ से आपको बस स्टैंड के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी, मेन बस स्टैंड से फिर बहुत सारी जगहों के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी, होटल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, रेस्ट हाउस भी है। ये बाहर का जगह है, पूरा मार्केट भरा हुआ है, देखिए आप, दूर दूर तक मार्केट आपको दिख रहा है इस तरह। ये यहाँ प्रवेश द्वार 2 है, एंटी लाइट पर इसीलिए क्लियर नहीं है, उस तरफ से भी आप इन कर सकते हैं इस तरफ से भी। और ये मेन समस्तीपुर, और इसमें पूरा पिक्चर बनाया हुआ है हमारे जवान के, रानी लक्ष्मीबाई का, फिर गौतम बुद्ध जी का। और ये एक एंट्रेंस पॉइंट यहाँ पे भी है, तो पूरा देख सकते हैं आप, काफ़ी डाउन हो चुका है। तो समस्तीपुर स्टेशन का रीडेवलपमेंट चलेगा, तो मैं धीरे धीरे दिखाऊँगा। चलिए यहाँ से अंदर चलता हूँ। ये एक नंबर प्लेटफार्म है, देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई है एकदम, ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा साफ़ सफाई के मामले में। इस तरफ पूरा साफ़ सफाई है, इस तरफ भी पूरा साफ़ सफाई है। बढ़ते हुए मैं FOB पे आ गया हूँ, चलिए ऊपर से इसका लुक दिखाऊंगा। फिर इस तरफ से भी आगे भी है, इसका काफ़ी एरिया लिया गया है इसमें, क्योंकि 2-4 रूट के लिए यहाँ से ट्रेनें कटती हैं, इसीलिए कुछ है, एक पे आके एक से ही कटेगी लेफ्ट एंड राइट के लिए, इसीलिए इतनी जगह है और काफ़ी बड़ा स्टेशन है। फिर से दिखा दो कि इस साइड बस स्टेशन है, ताजपुर है, मुजफ्फरपुर है, और ये बाहर निकलने का रास्ता है, जगह है। और इस तरफ है पूरा समस्तीपुर,
स्टेशन। चलिए और कुछ दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी जो है वो 4 पे आने वाली है, तो देखिए कितने बजे आती है। हालांकि आधा घंटा बिफोर है गाड़ी, तो देखिए लग जाएगी शायद आ करके। तो यहाँ पे भी देखिए 2 ट्रेन इधर लगी हुई है, 1 ट्रेन इधर लगी हुई है। मेरी ट्रेन पता नहीं किस पे लगी हुई है, पता नहीं चल रहा है। अनाउंस करिए मेरी ट्रेन, देखिए आने वाली है मेरी ट्रेन। तो मेरी ट्रेन 5 पे आने वाली है उस साइड। चलिए मैं चलता हूँ उस साइड और दिखाता हूँ। काफ़ी लोगों का भीड़ है, देखिए लोग आ चुके हैं गाड़ी पकड़ने के लिए। तो ये गाड़ी आ चुकी है, ये लगभग 1 घंटे बिफोर है, ये 1 घंटा बिफोर है ये गाड़ी, बताइए। और इस तरफ से चलिए, अभी ये गाड़ी खुलेगी लगभग ये 2:45 बजे, यहाँ से या 2:45 बजे है, 1 मिनट बताता हूँ, 2:45 बजे यहाँ से है ये, तो खुलने का टाइमिंग है इसका। यही ट्रेन है जिससे मैं फिर से पटना जाऊँगा, अभी 2 बज रहा है, यहाँ से 2:45 बजे ये खुलेगी। ये कुछ ऐसा है स्टेशन का लुक गेटअप से, तब देखिए आप। काफ़ी लोगों की भीड़ उतरी है इस ट्रेन से। चलिए मैं भी बैठता हूँ इस पर। जो ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ वो एकदम खाली है बिल्कुल, देखिए आप, लोगों की ज़्यादा भीड़ नहीं है इसमें। और लाइन से आगे में चेयर कार है इस तरफ, फिर समस्तीपुर जंक्शन का देखिए। ये ट्रैकों की संख्या कितनी है, हालांकि खाने पीने की सारी सुविधा इस स्टेशन पे है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। लोग भीड़ है, पानी की सुविधा है, और कुछ मिल्क पार्लर वगैरह भी है। वीडियो इस साइड ब्लैक आ जा रहा है, लेकिन इस साइड वीडियो सही आ रहा है।